गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने संस्कृत का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका मैंने आप लोगों को लिखवाया है स्वर्ण वर्णस्य भेदा, यानी कि स्वर वर्ण के चार भेद हैं। सेकेंड चैप्टर में यही पढ़ना है, ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक है, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, ये दो हमने आप लोगों को लिखवा दिया है, ठीक है। फिर से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक है। संस्कृत भाषा में वे स्वर जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, संस्कृत भाषा में वे वर्ण जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, इनकी संख्या 5 है, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण, वे स्वर ध्वनियाँ जिनके बोलने में दो मात्रा का अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे में इनकी संख्या 4 है, आ, दीर्घी, दीर्घु और री, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त, बाकी है अब क्या, संयुक्त स्वर वर्ण, ठीक है, 3 नंबर संयुक्त स्वर वर्ण। संस्कृत भाषा में वे स्वर वर्ण जो दो स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, संयुक्त स्वर वर्ण, संस्कृत भाषा में वे स्वर वर्ण जो दो स्वरों के संयोग से बने होते हैं, ठीक है, जो दो स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ ई, ये मिलकर क्या बने, ए, ठीक है। दूसरा है अ उ, ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बने, ओ, ठीक है। उसके बाद है आ ओ, ये बने क्या, ओ, ठीक है। उसके बाद है आ दीर्घ ई, इससे बने क्या, ए, ठीक है। जैसे आ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो हमने लिखवाए हैं जो दो स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो दोनों मिलकर के क्या बने, ए। अ और उ, ये भी दोनों स्वर है तो दोनों मिलकर के क्या बने, ओ। आ उ, ये दोनों मिलकर क्या बने, ओ। आ दीर्घी, ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बने, ए, ठीक है।
और फोर नंबर है प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है, संस्कृत भाषा में जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें उन्हें प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओम, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फिर है ओ, इसमें हम तीन लगाएंगे। ठीक है, म, ठीक है, दूसरा है हे राम, ये आपके हो गए क्या सेकेंड चैप्टर का समाप्त हो गया। अब इसमें बाकी है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसको मैं फिर से बता दे रही हूँ। संयुक्त स्वर वर्ण, संस्कृत भाषा में वे स्वर वर्ण जो दो स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ और हर्षी ए होगा, अ ओ, ये दोनों मिलकर के क्या बने, ओ, आ और उ, ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बने, ओ, आ दीर्घी, ये दोनों स्वर मिलकर के क्या बने, ए। ठीक है, लास्ट वाला है प्लुत स्वर वर्ण, संस्कृत भाषा में जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, तीन मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओम, ओम, इसको हम लोग ज़्यादा टाइम तक, ये हुआ ओम, इसको पढ़ेंगे क्या, ओम। ठीक है, हे राम। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, अगर बुक नहीं है तो कॉपी में भी लिख लीजिएगा और उसको याद करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।